सही नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं Asus ROG Zephyrus G14 का। इसमें हम लोग 14 इंच की यहाँ पर फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग को 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और NVIDIA GTX 1650 का 4GB का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, 8GB रैम देखने को मिलती है और 512GB की SSD देखने को मिलती है। और बात करें प्रोसेसर की तो इसमें हम लोग को AMD Ryzen 7 5800HS देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिए AMD Ryzen 7 5800HS यहाँ पर यूज होता है, देखिए मैक्सिमम गेमिंग के लिए, अच्छे अच्छे काम के लिए, हेवी टास्क के लिए। यहाँ पर आप वीडियो एडिटिंग चाहे करना चाहते हैं या फिर आप लोग देखिए प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं और आप लोग देखिए कोई भी दूसरा यहाँ पर हेवी टास्क करना चाहते हैं तो इसमें जो प्रोसेसर है ये आप लोग के लिए परफेक्ट रहेगा। प्राइस की बात करें तो देखिए आप लोग ये 75,000 के अंदर देखने को मिल जाता है, यानी देखिए आप लोग का बजट 75,000 है तो आप लोग यहाँ पर देखिए इसको ले सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे इसके बारे में बहुत सी चीजें जान लेते हैं जो आप लोगों को पता नहीं होगी। यहाँ पर देखिए दिखने में तो काफी कूल है, काफी स्टाइलिश है और इसका लुक काफी परफेक्ट है। कीबोर्ड की बात करें तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर व्हाइट कलर की यहाँ पर बैकलाइट देखने को मिलेगी। वेट भी देखिए आप लोगों को लगभग यहाँ पर ठीक ही देखने को मिलता है, यहाँ पर आप लोग ये लाइट वेट ही देखने को मिलता है, 1.6 kg का आप लोग ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग एक यहाँ पर चीज काफी बुरी लगी वो ये कि इसमें आप लोग को वेबकैम नहीं देखने को मिलता है। जी हाँ, आप लोग देखिए लैपटॉप है, आप लोग 75,000 रुपीज के अंदर आ रहा है, बट देखिए इसके अंदर हम लोग को वेबकैम नहीं देखने को मिलता है। ये चीज मुझे यहाँ पर देखिए थोड़ी अच्छी नहीं लगी। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग अभी अपग्रेड ऑप्शंस की बात करें, अपग्रेड ऑप्शंस में आप लोगों को यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें जो ये पहले से इसमें 8GB की रैम देखने को मिलती है, आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा आप लोग एक एक्स्ट्रा स्लॉट दिया गया रैम का, जिसमें आप लोग 16GB की रैम इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर 8GB की इसमें पहले से तो टोटल यहाँ पर 24GB की रैम हो जाती है। यहाँ पर जो पहले से रैम है आप लोग इसको नहीं निकाल सकते, इसमें आप लोग एडिशनल 16GB और ऐड कर सकते हैं। SSD को अपग्रेड करने की बात करें तो देखो यहाँ पर आप लोग इन फ्यूचर SSD को अपग्रेड करना चाहते हैं ना, तो देखो SSD का एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है यहाँ पर, जो इसमें SSD दी गई है ना, आपको यहाँ पर इसी SSD को यहाँ पर निकाल कर इसकी जगह दूसरी SSD डालना होगी। तो ये भी देखिए थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट है हमारे लिए, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा अपग्रेड ऑप्शंस भी इसमें हम लोगों को डिफरेंट देखने को मिलते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो देखिए इसमें आप लोगों को ये 8-core 16-thread वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि आप लोग काम काफी फास्ट करेगा। आप लोग यहाँ पर देखिए एक समय पर काफी सारे काम कर सकते हैं, आप लोग काफी हेवी टास्क कर सकते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर कई सारे काम एक समय पर कर पाएंगे इस प्रोसेसर की मदद से। और यहाँ पर वाईफाई और ब्लूटूथ की बात करें तो देखिए आप लोग इसमें वाईफाई 6 देखने को मिलता है एंड ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिलता है। और पोर्ट्स की बात करेंगे तो देखिए आप लोग इसमें पोर्ट्स यहाँ पर वो सारे देखने को मिलेंगे जिनका आप लोगों को काम पड़ने वाला है, बट देखिए इसमें आप लोगों को यहाँ पर कार्ड रीडर का पोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। फैंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर फैंस भी काफी बढ़िया है, थर्मल्स भी इसके काफी बढ़िया है, यहाँ के फैंस यहाँ पर टर्न ऑन हो जाते हैं, यहाँ पर ये लैपटॉप को कूल अप करते हैं, यहाँ पर ये आप लोग का काम और भी ज्यादा आसान करते हैं। ये सारी चीजें तो हो गई। यहाँ पर अब मैं आप लोग कहना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए वेबकैम की बात करें ना, तो यहाँ पर देखिए लैपटॉप तो काफी बढ़िया है, बट यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि इसमें वेबकैम नहीं है, आपको वेबकैम लेना है, तो देखिए आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा आप लोग एडिशनल वेबकैम यहाँ पर परचेस कर सकते हो अमेजोन से। आप लोगों को यहाँ पर एक एडिशनल वेबकैम मिल जाते हैं 1000 रुपये के अंदर, तो देखिए आप लोग ठीक ठाक यहाँ पर काफ़ी बढ़िया वेबकैम देखने को मिल जाएगा, जिससे आप लोग काम हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी परचेस करके इस लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग काम हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए इसमें वेबकैम का इतना यूज़ नहीं रहता है, तो काफ़ी बढ़िया बात है, आप लोग कोई डरने वाली तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। इसके साथ साथ देखिए इसमें आप लोग फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप लोग यहाँ पर अपना जो लैपटॉप है उसको यहाँ पर आसानी से अनलॉक कर सकते हो। लैपटॉप लुक्स के मामले में भी काफ़ी बढ़िया है, स्पेसिफिकेशंस के मामले में भी काफ़ी बढ़िया है और बजट के मामले में काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर अब आप लोग के दिमाग में कि आप लोग उसको लें या फिर नहीं लें, तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि आप इसको लेना क्यों चाहते हो। यदि आप लोग देखिए सारी चीज़ें में परफेक्ट लग रही है, आप लोगों को ये लैपटॉप परफेक्ट लग रहा है आप लोगों के लिए, तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लोग वहाँ से जाकर इसको परचेस कर सकते हो।